मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के जैतिया सादुल्लापुर में दिन दहाड़े ग्राहक सेवा केंद्र से 10 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट कर 70,000 रुपए की नकदी की लूट को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। वहीं 70,000 की लूट होने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 11 बजे की है। बदमाशों ने लूट की वारदात को तब अंजाम दिया जब ग्राहक सेवा केंद्र पर 10 वर्षीय दिव्यांशु अकेला बैठा था। घटना के बाद ग्राहक सेवा केंद्र पर शोर शराबा सुनते ही बच्चे के पिता ब्रिजमोहन मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने प्रताप ब्रिजमोहन की तहरीर के आधार पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी और अन्य माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि दिव्यांशु के पिता ब्रिजमोहन पिछले कई सालों से जैतिया सादुल्लापुर में ग्रामीण प्रथमा बैंक की मिनी बैंक शाखा और ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने रोजाना की तरह सुबह 8 बजे अपना ऑफिस खोला। उनके बेटा उनके साथ था। 10 बजे के बाद बैंक में पैसों का लेन देन चल रहा था, तभी घर से कॉल आई तो ब्रिजमोहन अपने घर चले गए। तभी दो युवक आए और ऑफिस में घुस गए और बेटे को पिता का दोस्त बताकर जबरन पैसे दिए और उनसे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। बेटा कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आया तो देखा दोनों युवक लॉकर तोड़ रहे थे। वह शोर मचाता इससे पहले दोनों युवकों ने बच्चे को अंदर खींचकर थप्पड़ मारे और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लॉकर तोड़कर दोनों युवक 70,000 के लगभग नकदी लेकर फरार हो गए। ना ये हुई कि हमारी बहन सुबह मैंने 8 बजे अपना ऑफिस खोला, मैं लड़के आए थे, मेरा बेटा था साथ में, और जब लेन देन चल रही थी मैं तो लेन देन सुबह कर भी रहा था तो इतने घर से कॉल आई कि घर पर जरा कुछ मेहमान आए हैं, हमारे भाई के देखने वाले आए थे, तो मैं लड़के को बैठा कर वहाँ चला गया। लड़का हमारा यहाँ था। अब इसी बीच में दो लड़के आए, मेरे लड़के को जबरिया पैसे देकर कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया, हम तुम्हारे परिचित हैं तेरे पापा के, और ऐसा वैसा धन्यवाद उसे बता के वो बेचारा कोल्ड ड्रिंक लेने के लगे। इतने आए तो उसने गल्ला तोड़ ताड़ के सारा कैश लेके फरार हो गए। लगभग कितना कैश ले गए? 70,000 के आसपास था। 70,000 के? क्या बजे की घटना है ये? 11 बजे। तो फिर पुलिस को फ़ोन किया आपने? हाँ, मैंने करा था सर के कॉल, 112 नंबर को ही कॉल करा था, फिर सर के पास ही अंशु भाई से हमारे जानते हैं, उनसे कराई थी कॉल। और भी कैश रखा हुआ था? नहीं नहीं, और नहीं था, वही लेन देन तो चलती रहती है, बाकी कैश मेरी जेब में चला गया था। अच्छा, 70,000 रुपये गले में पड़े? उसमें गले में थे। एक जने आए थे मेरे पास, वो पैसे जमा दे कमेटी के पास दिख गए, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरे कैश में पड़े, तुम्हारा गले का पैसा सारा ले गए। गले का सारा पैसा ले? तो कौन कौन अधिकारी आए थे? यहाँ पे हमारे चौकी चार साहब आए थे और थाना कटघर से भी सर आए थे। ये आज थाना कटघर में जो ग्राम जैतिया सादुल्लापुर है उसमें ब्रजमोहन नाम के व्यक्ति हैं जो अपना एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, प्रथमा बैंक से संबंधित है। उनका ये कहना था कि आज दुकान से वो किसी काम से अपने घर गए थे, उनका एक लड़का 10 वर्षीय वो गांव दुकान पर उस समय मौजूद था। उसमें दो व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हम तेरे फादर के परिचित हैं और उसको पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए उसको भेज दिया। और इसी दौरान जो दुकान में उसका जो गल्ला था उससे उन्होंने उसका ताला तोड़ के उसमें से कुछ पैसे गायब कर लिए और वहाँ से चले गए, जिसके संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जो व्यक्ति थे उनकी पहचान कराई जा रही है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, और जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान करा के सीधे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी।